हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की। पिछले दो वीडियो में हम लोग इसी फंक्शंस के क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे उसी टाइप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स, और हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट इसको कर देना है। तो पहली बात तो ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वाई मान लेंगे हम लोग, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स, वाई मान ली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल का कोई क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो खुद से फंस जाएंगे। एक बार हम आपको दिखाते हैं, मान लो हम अगर लॉग ले लेते तो क्या होगा, लॉग वाई ले लिए, लॉग यहाँ भी ले लिए लॉग, तो लॉग के अंदर ये आ जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ये ले लिए लॉग। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक हो गए, अब इससे आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि लॉग के जो अंदर जो चीज आर्गुमेंट है वो क्या है, दो चीजें प्लस में है, और ऐसा कोई प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ही नहीं है कि लॉग के अंदर अगर दो चीजें प्लस में हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और रास्ता होगा, तो बिल्कुल ये यहाँ पे दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि दो टर्म हो, है ना, दो टर्म हो और वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, उन दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे कुछ अलग फंक्शन मानकर। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लॉग एक्स टू द पावर एक्स है इसको यू मान लेते हैं कि यू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, एंड वी मान लेते हैं इसको वी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स, अलग अलग मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन बिकम, अब हमारा जो इक्वेशन बिकम इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बिकम ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, क्या बन जाएगा, यू प्लस वी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du यू बाई डी एक्स, वी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट dv वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ देते हैं, हमें निकाला है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तब निकलेगा ना जब हम लोग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए है तो du बाई डी एक्स हमें निकालना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो du बाई डी एक्स है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। u कहाँ पे है, ये रहा u, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। और ये कब मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला। तो अब हमारा टारगेट क्या है, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना। तो चलिए निकालते हैं du बाई डी एक्स। तो पहले हमें निकालने जा रहा है किसको, du बाई डी एक्स को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि u इज इक्वल टू है कितना, log x टू द पावर x। तो अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हम लोग इसको अभी डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लोग दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब ये जो लॉग का जो पैरामीटर है इस पे पावर है, तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट ऑफ वन बाई एक्स, तो वन बाई यू हो जाएगा। फिर यू का क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे यू इंटू वी लगेगा, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा में कौन है, ये पहले लॉग होगा इस लॉग का, फिर इस लॉग का, फिर एक्स का। तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स, फिर इस लॉग का वन बाई एक्स, फिर एक्स का वन। तो क्या हुआ, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, यानी कि लॉग ऑफ लॉग एक्स को छोड़ देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कितना वन। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स गायब हो गया, बचा कितना वन बाई लॉग एक्स, और यहाँ से क्या बच रहा है लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पर बचा वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमें तो डी बाई डी एक्स निकालना है, डी यू बाई डी एक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यू यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, यू यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यू अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वन बाई लॉग एक्स और प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो ये हो गया इसका du बाई डी एक्स। इसको कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन टू तो निकाल ली, अब हमें डी वी बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा, यानी कि वी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला पोर्शन हम इधर मिटा लेते हैं, इधर वाला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वी को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हो, क्या बन जाएगा, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स। तो लॉग एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम चीजें आ गया, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग वी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का वन बाई वी और वी का डी वी बाई डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर वन बचेगा, फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स। तो फाइनली यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वी बाई डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा वी, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा टू इंटू वी इंटू लॉग एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। अब इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री को कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अगला हम यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पुट इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को हम निकाले थे किस लिए, इक्वेशन वन में रखने के लिए। इक्वेशन वन क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स था, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा। तो इस यू के जगह, इस यू के जगह हम वैल्यू रख सकते हैं, यू किसको माने थे, लॉग एक्स का पावर एक्स को। तो इस यू के जगह हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या रहा, वन बाई लॉग एक्स, वन बाई लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने इक्वेशन टू को रख दिया, डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस था तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे किसको रखना था, डी वी वाई डी एक्स को, तो डी वी वाई डी एक्स का वैल्यू तो हम लोग निकाल कर रखे हैं, उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो डी वी वाई डी एक्स जब रखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे वी आ रहा था, वी का वैल्यू कितना था वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी का वैल्यू ये वाला था एक्स टू द पावर लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या था इंटू में लॉग एक्स बाई एक्स। तो ये इसका हो गया आंसर। हाँ, हो सकता है कि आंसर में थोड़ा और भी यहाँ पे ये सिंपल कर दिया हो, कैसे, ये x है नीचे भी x है, बेस सेम है तो पावर घटेगा, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर log x है, तो इस x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर log x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग LCM ले लें तो log x LCM आ जाएगा, जो नीचे जाएगा log x, यहाँ भी क्या है log x, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, यानी log x टू द पावर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमें वेरिएबल के पावर वेरिएबल और वेरिएबल पावर वेरिएबल दो फंक्शन इस तरह से प्लस या माइनस हो तो डायरेक्ट हम लोग लॉग नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं, इसको एक अलग फंक्शन मानते हैं, इसको एक अलग फंक्शन मानते हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स फाइंड डी वाई डीएक्स। हमें क्या करना है, डी वाई डीएक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें y मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, y माना हुआ नहीं था, वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था, वो क्या था, एक्सप्रेशन था, जबकि ये क्या है, इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और ये भी क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और ये क्या है, प्लस या माइनस में, यानी कि प्लस में है, यानी कि दो टर्म है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल है, दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग ले भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लॉग लेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, एग्जाम्पल हम दिखा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, इसको एक अलग फंक्शन मानेंगे, जैसे पिछला लोग क्वेश्चन बनाए थे एग्जैक्ट वैसा ही बनाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, लेट वाई यू मान लेते हैं इसको, यू इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, फिर एंड वी इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, फिर क्या किए थे, नाउ इक्वेशन बिकम, ये जो इक्वेशन हो क्या बन जाएगा, नाउ इक्वेशन बिकम, अब हमारा जो इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू, इसको यू नाम दे दिए तो ये हो गया यू, और इसका नाम क्या हो गया वी। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डी यू बाई डी एक्स और वी का डी वी बाई डी एक्स।
तो इक्वेशन इसको वन मान लेते हैं। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स इन दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग किसको निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स, उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, यू के पास जाना पड़ेगा। तो यू को उठा के यहाँ ले आते हैं, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स हो गया। अब हम इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफरेंस हम लोग कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, हम लोग लॉग ले रहे हैं। जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा कि लॉग का जो भी पैरामीटर उस पर पावर है, तो पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगले स्टेप पर लिख लेते हैं, यहाँ पे log u इज इक्वल टू, log u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x इंटू log sin x। अब तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रहा, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू लॉग का, u का डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी का मतलब पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन का कितना हो जाएगा cos x, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, यानी कि log sin x को छोड़ देंगे, और पहले का डिफरेंस cos का माइनस sin x, सही है। तो ये हो गया इसका डिफरेंसेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो du बाई dx तो ये रहेगा du बाई dx। अब ये जो u डिवाइड हुई था मल्टीप्लाई में आएगा, तो u यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, या फिर ऐसा कर लेते हैं cos x बाई sin x को cot x लिख लेते हैं, cot x इंटू cos x, और प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स को आगे लिख लेते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये यू आ गया, तो यू के जगह हम क्या रख सकते हैं, यू के जगह हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये वाला साइन एक्स टू द पावर, साइन एक्स टू द पावर कितना कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये इसका क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स आया। तो इसको हम लोग सेकेंड मान के छोड़ देते हैं। तो ये अभी क्या आया, डी यू बाई डी एक्स आया, यानी कि ये वाला पोर्शन आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, वी को उठा के ले आएंगे और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको मिटा लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स वाले पोर्शन वाले को मिटा लेते हैं हम इसको। अब हम लोग किसको उठा के लेके आएंगे, वी वाले पोर्शन को, और उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग किसको, डीवी बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें वी को उठा कर लाना पड़ेगा नीचे, वी आ गया नीचे, वी इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर, कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, चूंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स टू द पावर, ये हो गया साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा बाहर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग वी इज इक्वल टू साइन एक्स टू द साइन एक्स इंटू लॉग के पैरामीटर में क्या आएगा कॉस एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वी का वन बाई वी, और वी का डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी लगेगा। तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा कितना माइनस साइन एक्स, प्लस फिर दूसरे को छोड़ देंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स, और पहले का डिफरेंस साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वी डिवाइड इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट में। साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेन एक्स बोलेंगे, और चूंकि ये माइनस में आ रहा है तो माइनस यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे साइन एक्स लिख लेते हैं, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और कॉस एक्स पहले लिख लेते हैं इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब हम चाहे तो v का वैल्यू रख सकते हैं, v का वैल्यू ये है यहाँ पे रख देंगे, और इसको इक्वेशन थ्री मान लेंगे। अब ये जो दोनों आया हुआ है वैल्यू, इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, इन दोनों को उठाकर इक्वेशन वन में रख देना है, और v का वैल्यू भी रख देना है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इसी टाइप से हम लोग एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि x माइनस वन का स्क्वायर टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन में e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी क्या देख रहे हैं कि इंटू में है और डिवाइड में है, तो बहुत सारा टर्म अगर इंटू में हो या फिर डिवाइड में हो, तो ऐसे केस में हम लोग लॉग लेके बनाते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं।
तो इसको मान लो डिफ्रेंशिएट करा तो हम क्या करेंगे, पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन में कितना e टू द पावर x इंटू साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें लॉग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारा टर्म मल्टीप्लाई में या ऊपर से डिवाइड में भी है, तो लॉग लेने से क्या होगा ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन में यहाँ था ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ हम लोग लॉग छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर ले लॉग ले लिए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी लगाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग के साथ दो चीज़ें अगर डिवाइड में हो तो उसको माइनस में लिख सकते हैं इस तरह से कि लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए की जगह ऊपर वाला आएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, तो ये आ गया ऊपर वाला पार्ट माइनस लॉग बी, नीचे वाला आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे और प्रॉपर्टी लाएगा, क्योंकि एक दो तीन या लॉग के साथ तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्लस में आ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री, और माइनस ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, आगे माइनस होने के कारण साइन भी चेंज हो जाएगा, तो लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग ये हो गया साइन एक्स। तो अब हम क्या देखते हैं और प्रॉपर्टी लग सकता है यहाँ पे, अगर आप लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने साथ प्रॉपर्टी पढ़ाया है मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना लॉग ये पावर बाहर आ जाएगा तो टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री माइनस यहाँ एक्स बाहर आ जाएगा और लॉग ही कितना होता है वन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा लॉग साइन एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग वाई। अब हम लोग क्या कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे और लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इन सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अब यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब बहुत सारा टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो उसको हम लोग लॉग लेके बनाते हैं ताकि ये क्या हो जाता है ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ नया चैप्टर के साथ हम आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।